तो नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे प्लानिंग को हम दो पार्ट में किए थे। एक जो कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेज करता है और दूसरा प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका प्लानिंग, उसका शेड्यूलिंग देख रहे थे। तो कंपनी का प्लानिंग फिक्स्ड है, ये बताया, उसमें प्लानिंग को अचीव करने के लिए 7 शेड्यूल है, डेट इज फिक्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ख़त्म करने के बाद, 7 शेड्यूल ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे प्रोजेक्ट का प्लानिंग और शेड्यूल की तरफ। तो 6 शेड्यूल तक हम बता चुके थे, नहीं 5th शेड्यूल बता चुके थे, 6 शेड्यूल बताएंगे। वो भी देखिए, उसका थोड़ा सा हम परिप्रेक्ष्य भी बताएंगे, क्यों ऐसा होता है किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो जो कंपनी बनता है, कोई भी कंपनी बनता है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, ठीक है, तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है और ये देखा जाता है कि वो जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ प्रोड्यूस किया गया है, वो हित के लिए ही होता है, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए। और मैक्सिमम कंट्री जो इस तरह का डेवलपमेंट का ध्यान रखती है, वो अपना जनता का ख्याल का ध्यान रखती है। तो इस सभी चीज़ को ही हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये एग्जांपल ले लीजिए कि एक आदमी बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के लिए रोड का यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर उसको चेकअप किया, अलग अलग टाइप का चेकिंग का भी फैसिलिटी है, उसके थ्रू उसको चेक किया गया, फिर हॉस्पिटलाइज हुआ, वहाँ पर बहुत सारा मशीन है, बिजली का यूज़ हो रहा है, जो दवा खड़ा है वो दवा फैक्ट्री से आ रहा है, मेरा मतलब है समझ गए होंगे, ठीक है। वो हर चीज़ रिलेटेड है। तो एक समृद्ध देश होने के लिए, आपका समृद्धि के लिए, जन अगर गवर्नमेंट पब्लिक को टारगेट करती है कि पब्लिक को हम फैसिलिटेट करेंगे, पब्लिक को अच्छा करेंगे पब्लिक के लिए, तो देश के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस सभी चीज़ में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगा, वो शेड्यूल 6th में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दो चीज, जैसे सब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, रेलवे, रोड, उसके बाद से पानी की व्यवस्था पीने के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है। अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट लीजिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, रेलवे, हवाई जहाज, पानी से आवागमन, ठीक है, वो रोड में भी अंदर घुस जाइए आप, शहर के अंदर का रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे, तो ये डिफाइन किया गया है ना। अब मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, है ना, इंडस्ट्री और उसको ब्रेक किया, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब ऑयल इंडस्ट्री लीजिए, ऑयल इंडस्ट्री में क्या होगा, उपभोक्ता होगा और प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर का अलग कंपनी होगा, वो उसको ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कच्चा माल चाहिए, बाहर से आ सकता है, अपने देश में आ सकता है, कच्चा माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिस्टम चाहिए, नेटवर्क, जो पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी वगैरह लगते हैं, ये सभी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कोई कंपनी किसी चीज़ के लिए बनता है, किसी चीज़ पर कोई कंपनी बनता है, तो कई सारा गाइडलाइंस होता है, कई सारा उस पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। आप खरीदते हैं तो आप भी पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, कंपनी का ढेर सारा रेवेन्यू का सिस्टम है। तो वो सभी चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर में, कानून की किताब में लाने के लिए ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये किस चीज़ के लिए है, रोड बनाने के लिए है, या रोड में मटेरियल सप्लाई करने के लिए है, या बिटुमेन अलकतरा खरीदने के लिए है, या गिट्टी एग्रीगेट खरीदने के लिए है, इस पर रोलर कौन सा यूज होगा,
रोलर कहाँ से आया, रोलर वाला कंपनी को कितना मुनाफा हो रहा है, वो कितना टैक्स दे रहा है। मतलब कि शेड्यूल सिक्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किए उसका कई सारा हेड का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। अभी तक का जो नॉलेज है गवर्नमेंट का उसमें ये चीज़ है और इस चीज़ से ही रिलेटेड कंपनी का परमिशन होता है। तो कंपनी जब परमिशन करती है और जीएसटी वगैरह फाइल करती है तो उसमें आजकल HSN कोड हो गया है, हर आइटम के लिए क्या टैक्स होगा, मॉडलिटी है उतना डिस्कशन में नहीं जाने का, तो हर आइटम के लिए कोड है उसका, खरीद बिक्री के लिए, उससे काम करने के लिए, ठीक है। इसीलिए अगर रहेगा, सपोज कीजिए कि आपको डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया, ठीक है ना, अब मेडिसिन दिया आप गए दुकान में खरीदने के लिए, वो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है नाम या जो भी, और दुकानदार जो है सो एक मेडिसिन ऐसा पकड़ा दिया है जिसमें रैपिंग नहीं है या रैपिंग है तो उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन मेडिसिन है क्या, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए टैक्स कलेक्ट करना है, अपने देश में टैक्स कलेक्ट किया जाता है एम्प्लॉय से भी बिजनेस से भी, तो किस चीज़ से कितना टैक्स कलेक्ट करना है कैसे पता चलेगा, जब तक उस चीज़ को डिफाइन करेंगे तभी तो पता चलेगा। इसीलिए शेड्यूल सिक्स में वो सब चीज़ को डिफाइन किया गया है। इजी है, डेली का जिंदगी का चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। एक और शेड्यूल रह गया है तो कंपनी में शेड्यूल सेवन ख़त्म करने के बाद हम आएंगे प्रोजेक्ट का शेड्यूल सेवन। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा परिचय आप देख रहे हैं वीडियो विद सुजीत सेन, मेरा चैनल है technodigital.co.in और गूगल पर मेरा चैनल है, वेब है सुजीत करियर काउंसलिंग। और जिस कंपनी को भी जो भी कंपनी के सीईओ या एमडी या कोई ऐसा को देख रहा है उनके लिए जानकारी हो कि आई एम ए क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ यू नीड मी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन नंबर एंड ऑन मेल एनीथिंग एल्स। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वीडियो।